हालत तुम्हारी किसने बनाई है बताइए बहन शीला? कौन चंपा बहन? आप मेरी हालत जद्दा सिंह ने किया है। हाँ बहन। लेकिन बहन शीला तुमने कौन सा गुनाह किया है और कौन सा पाप किया है जो कि जद्दा सिंह ने तुम्हारी ऐसी हालत बनाई है? बहन चंपा, मैं अपने पति से फार्म हाउस मुलाकात करने के लिए जा रही थी। वो हरामजादा मुझको रास्ते में अकेली पाकर मेरे साथ हरकतें करना चाहा। मैं उसके कहने में ना आई और मुझे शमशीर से मार दिया। नहीं बहन जिला, आप घबराइए नहीं, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। आइए बहन। नहीं बहन चंपा, बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मेरा एक छोटा सा काम कर दो बहन चंपा। बहन शीला, वो कौन सा काम है जो कि आज आप चंपा बाई को सौंपना चाहती हैं? बहन चंपा, जो मेरी बेटी है इसे लेकर अपने साथ कहीं दूर भाग जाओ, नहीं उस जालिम लोगों ने तुझे देख लेंगे, तुझे भी जान से मार देंगे बहन। लेकिन एक काम याद रखना चंपा बहन। कौन सा काम है? मेरी बेटी को पढ़ाना लिखाना और अपने धंधे से बहुत दूर रखना। जा बेटी, तुम्हारी रक्षा भगवान। या भगवान, आज मैं क्या देख रही हूँ, ऊपर वाले ने मुझे भी कोई संतान नहीं दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, आज से मैं इस बच्ची को अपनी बच्ची समझ के इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और अच्छे संस्कार दूंगी। इसे कभी यह नहीं महसूस न दूंगी कि इस दुनिया में इसकी सगी माँ नहीं है। अब मुझे इस बच्ची के लिए करके यहाँ से निकल लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो मुझे भी जान से मार देंगे और इस बच्ची को जान से मार देंगे, इसलिए मुझे चलना चाहिए। इतनी खुशी की बात है, आज मेरे बच्चे का जन्म हुआ। काश काश ये बच्चा अगर महलों में पैदा हुआ होता तो उसकी बात ही कुछ और होती। कोई बात नहीं, मुझे तो वैसी ही खुशी है जैसे वहाँ थी, वैसे यहाँ भी बहुत अच्छी खुशी मिल रही है हमारे पति के साथ। और यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है, जग से मिलाए जू 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 जू। सपना, क्या बात? आज अगर यही बेटा हवेली पे होता तो कुछ और ही खुशियाँ होती है। लेकिन कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जोरों से भूख लगी है और जितनी जल्दी हो सके हाँ आप मुझे खाना खिला दीजिए। कोई बात नहीं, चलिए खाना तो तैयार है, चलो खा लो खाना। तो चलिए आइए। छोटा सा एक घर होगा, अच्छा
घर में होंगी सजनी जी, छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगी सजनी जी और मिलके करेंगे दोनों प्यार, सपने सजाएंगे हजार, सपने सजाएंगे हजार, छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी, छोटा सा एक घर होगा, घर में होंगे सजना जी, ए मिलके करेंगे दोनों प्यार, सपने सजाएंगे हजार। गुप्ता जी और मिश्रा जी, कहिए सर। जैसा कि तुम लोग जानते हो कि अभी इस माधवपुर थाने में हमारी नई नई पोस्टिंग हुई है और मुझे का यहाँ कुछ माहौल मालूम नहीं, ठीक है सर, इसलिए तुम लोग मुझे यहाँ के माहौल से अवगत कराओ और यहाँ का चौकीदार कौन है सबसे पहले उसे थाने में बुलाओ। जी सर, चौकीदार को अभी बुलाता हूं। चौकीदार साहब, जय हिंद। जय हिंद। चौकीदार राम लपेट। हाँ सरकार। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ जी कि इस माधवपुर के किन किन इलाकों में शराब का अवैध कारोबार चलता है। सरकार का भला बताई आपसे, यहाँ या क्षेत्र में इतनी अधाधुंध कच्ची दारू बना थी, मनाई पीपी बीमार होते हैं, फायदा डॉक्टरन का हो रहा है। चौकीदार सरकार, माधवपुर के किन किन गांव में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है। अब आपसे का भला बताई, गणपतपुर ले ओ, फरसी ले ओ, पतरिया ले ओ, औलहरा ले ओ, राय बरेली में आप पंपापुर में ले ओ, लालगंज में ले ओ, राय बरेली में ले ओ, हर जगह आधा धुंध कच्ची दारू का। चौकीदार राम लपेट सरकार, माधवपुर के इतने गांव में शराब का अवैध कारोबार चल रहा है जी, और आज तक तुम लोगों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। बहुत एक्शन लिया, इतने एक्शन लिया, एक्शन लेते लेते मैं खुद एक्शन में आ गया सर। तुम्हारे कहने का मतलब मैं समझा नहीं। सर आप नहीं समझेंगे, ये अंदर का मामला है, अंदर का। अब सब अब जब हम लोग जाते हैं वहाँ पर दारू को पकड़ लेते हैं और जो दारू बनाते हैं हमको पौवा भर पिला देते हैं और उनको हम छोड़ देते हैं। इसका मतलब तुम लोग घूसखोरी करते हो, कानून के साथ धोखा करते हो। नहीं साहेब, तुम्हें इनकी सजा मिलेगी। ना हम घूस खाई, ना हम घूस खाई, ना हम मूस खाई, चौकीदार रहन खाली घूस खाई थी। चौकीदार, आज के बाद इंस्पेक्टर सूरज सिंह के रहते हुए माधवपुर के किसी भी इलाके में शराब का अवैध कारोबार नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, जो चलेगा तो फिर आपका डंडा चलेगा, हमारी लाठी चलेगी। तुम ठीक कहते हो गुप्ता जी। जी सर। तुम मुझे ये बताओ कि माधवपुर के किन किन इलाकों में लकड़ी का अवैध कटान जारी है। सर, इस माधवपुर में एक मशहूर ठेकेदार, बहुत बड़ा ठेकेदार है जिसका नाम भगत है,
वो बहुत लंबा खदान कराता है। और कौन सा वो ठेकेदार है? और एक औधेर ठेकेदार है, वो भी बहुत लंबा ठेकेदार है, वो भी अच्छे अच्छे कटान कराता है। माधोपुर के इतने इलाकों में सरकार एक और ठेकेदार है, गबलू गबलू गबलू। ये सब ठेकेदार आबाद कटान करा रहे हैं और तुम लोगों ने आज तक उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। सर क्या करें, एक्शन तो लिया जाता है लेकिन कुछ खर्च मिल जाता है, इसलिए कुछ नहीं किया जाता है। एक बात कान खोल कर सुन लो गुप्ता जी, इंस्पेक्टर सूरज सिंह के रहते हुए ना तो कोई घूसखोरी चलेगी और ना ही किसी इलाके में लकड़ी का अवैध कटान जारी रहेगा। एक बात तुम मुझे और बताओ गुप्ता जी। वो कौन सी बात है सर? कि जब से मैं इस थाने में आया हूँ, जब जब मेरी नजर इस फाइल पर जाती है, ये डाकू रणधीर सिंह कौन है जो कि माधोपुर के चारों इलाकों में अपना दबदबा कायम किए हुए है? सर ये डाकू रणधीर सिंह बहुत ही खतरनाक डाकू है, बहुत सूखा डाकू है, देखने में डाकू है और वो गरीबों का मसीहा है, अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट देता है। गुप्ता जी। जी सर। काश वो गरीबों का मसीहा क्यों न हो, लेकिन कानून के नजर में वो भी एक मुजरिम है और मुजरिम को कैद करना ये हमारा कानून कहता है। इसलिए आज तुम लोगों को मैं सचेत करता हूँ। क्या कहना चाहते? और तुम लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते सर? आज ही अपने पुलिस फोर्स को तैयार करो और मैं जो भी कहूँ उसे ध्यान से सुनो। रणधीर सिंह मौजूद है माधोपुर दर में, रणधीर सिंह मौजूद है माधोपुर दर में, फिर भी मिलता है नहीं उसका पता तो निशान। उसका पता निशान गली कूचे में गश्त लगाओ, उसका पता निशान गली कूचे में गश्त लगाओ। उस डाकू रणधीर सिंह को कैदराज करवाओ, गालिब रहे ये रौब और जालिम जुर्म न करने पाए, गालिब रहे ये रौब और जालिम जुर्म न करने पावे, करो हिफाजत अब तुम रैयत की फिर वापस कोतवाली आवे। आज ही अपना पूरा पुलिस फोर्स को तैयार करो और उन बिहड़ों की तरफ चलकर गश्त लगाओ जहां डाकू रणधीर सिंह ने अपने अड्डे बना रखे हैं। चलने की तैयारी करो। आइए इसी वक्त चलते हैं, चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं और डाकू और उसके साथी जहां कहीं पर भी होंगे सालों को अंदर कर देंगे। चलिए
साथियों जी जय माँ भवानी 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 जय माँ भवानी। साथियों आज मैंने एक सूचना सुना है। क्या सुना है? कि माधोपुर थाने में कोई नया इंस्पेक्टर आया है। क्या कहा? और उस इंस्पेक्टर ने हम सब लोगों को पकड़ने के लिए बीरा उठा लिया है और अपने सरदार जी को आने दो, ये खबर अपने सरदार जी को बताएंगे। क्यों नहीं? लग जाओ अपनी अपनी ड्यूटी में। जय माँ भवानी। गंगा कहिए सरदार, बोल क्या समाचार लेकर आया है? सरदार जी समाचार में लेकर आया हूँ, माधोपुर थाने में कोई नया इंस्पेक्टर आया है। नया इंस्पेक्टर आया है। क्यों नहीं सरदार? और इंस्पेक्टर ने हम सब लोगों को पकड़ने के लिए बीरा उठा लिया है कि जो कोई डाकुओं को पकड़ कर लाएगा उसे लाइसेंसी बंदूक और 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। गंगा कहिए सरदार, किसी की मां नहीं ऐसा बेटा नहीं जन्मा जो रणधीर सिंह को गिरफ्तार करेगा। क्या? आज ही हम अपने इस अड्डे को बदलकर दूसरा अड्डा बनाएंगे। क्या है सरदार जी? आओ हमारे साथ। चलिए सरदार जी। मिल गया तो साले को अंदर कर दे। सिपाहियों चारों तरफ से बीहे को घेर लो, वो डाकू रणधीर सिंह बचकर जाने न पाए। लेकिन सर आज तक मैंने मुठभेड़ नहीं किया, ये मेरी पहली मुठभेड़ है, थोड़ा मुझको बताए रहना। तुम घबराओ नहीं, आज मैं देखूंगा उस डाकू रणधीर सिंह को। चलने की तैयारी करो और उसका पीछा करो। जय हिंद जय भारत। साथी कहिए सरदार जी, तुम लोग होशियारी से रहना, लगता है इंस्पेक्टर हमारे लोगों की तरफ आ रहा है, इसलिए होशियार रहना। ठीक है सरदार जी, आओ आगे की तरफ। चलिए सरदार जी। भागने की नहीं करना कोशिश जरा, भागने की नहीं करना कोशिश जरा, पुलिस के घिरे घेर में इस घड़ी आओ चुपचाप मेरे हवाले चलो, ले चलूंगा तुम्हें जान कर हथकड़ी। तो बस खबरदार आगे बढ़ा दो कदमी, छाती में है बाल इतने जमे जो पिढ़ाए मेरे हाथ में हाथ करी। तो रोस्ते जाम सारे तेरे हो गए, We'll be right back.
पाएगा। करते कानून के तू हवाले, अगर मार खाने से तू साफ बच जाएगा। ठिकाने तेरा मार गोली से भेजा उड़ा दू तेरा, तू कहा मान ले तू। मेरी बाहों के टक्कर पड़े जेल ने, फिर तो कैसी सभी तेरी तकदीर है। बदला ले कर रहूंगा, क्या तलक है नहीं आज जिंदा यहां से ना जा पाएगा। मरना जीने कि मुझको न परवाह है, जान दे दूंगा अपने वतन के लिए, फाड़ डालूंगा चढ़ करके सीना तेरा, लाश तड़पेगी दो गज कफन के लिए। वर्धन सिंह इंस्पेक्टर सगर बहादुर है तो हमारा मुकाबला कर, सिपाहियों चला दो गोली। इंस्पेक्टर समझ बूझ कर गोलियां चलाना, अगर एक भी साथी मारा गया तो तेरे घर को शमशान बना दूंगा, समझे? क्या देखते हो साथियों, चला दो गोलियां। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, साथियों आओ मेरे साथ। आज कुत्ते की मौत मारे जाओगे, नहीं तो मेरा मुकाबला कर। राम लपेट डाकू रणधीर सिंह का एक साथी मारा गया, इसकी लाश को गाड़ी में ला दो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। उठा इस लाश को। और डाकू रणधीर सिंह तू जिंदा नहीं बच पाएगा, मैं तेरा पीछा करता हूँ। अबे रणधीर सिंह बाहर निकल, तेरी माँ का बदमाश मारू साले, आज तुझको अरेस्ट करके ही जाएंगे। साथियों जी सरदार जी, आज हमारा एक वफादार साथी मारा गया है। क्यों नहीं? उस सरामजादे इंस्पेक्टर ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। अरे अच्छा किया। उस सरामजादे की मौत हमारे हाथों से होगी। क्यों नहीं? उसके बीवी बच्चों को मारकर हराम सादे को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि दोबारा रणधीर सिंह का पीछा नहीं करेगा। जय हिंद, चलिए सरदार। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी।
भाग गए। चलता हूँ बड़े साहब से बताता हूँ कि एक डाकू को तो हमने मार गिराया, लेकिन ये साला रणधीर सिंह बच गया। कब तक बचेगा? जब तक हमारे सर इंस्पेक्टर सूरज इस इलाके में है, इलाके में कोई भी चोरी चमारी गुंडेबाजी रंगबाजी लौंडियाबाजी कोई भी बाजी नहीं होगी, क्योंकि वो हमारे बड़े साहब है, हम चौकीदार हैं, चौकीदार के बाद जमादार है, सफाई करना हमारा अधिकार है, अधिकार को पाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, ये गंगा कैसेट वालों का जमाना है। बेटा अमन, कहिए माँ जी। देखो पापा तुम्हारे कहीं घूमने गए हैं, आ रहे होंगे, ठीक है? चलो तुम खाना वाना खा लो, फिर आराम करो, ठीक है माँ जी? पापा जी कहीं घूमने गए होंगे, आते होंगे, आओ थोड़ी देर उनका इंतजार करते हैं। जी बेटा, ही जाएं। आओ। सपना। कहिए स्वामी। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि ये सारा जमाना अपना दुश्मन हो चुका है। जी स्वामी। इसलिए विशेष ध्यान बेटा अमन का होना चाहिए। प्यार सपना जरा ध्यान देकर सुनो। जी स्वामी। प्यार सपना ध्यान देकर सुनो, तुम यहां से कहीं को जाना नहीं, ख्याल बेटे का रखना और मेरी जान मन पर नसीहते मेरी भूल जाना नहीं। प्रिय जी स्वामी, मैं इस वक्त शिकार खेलने के लिए जंगल जाऊंगा और दिन भर शिकार करूंगा और सूर्य अस्त होने से पहले अपने बच्चों के पास आ जाऊंगा। स्वामी अगर इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? सुनो। जाते आखेट करने को जंगल पिया, सामने छीक होती है असगुल लगे। जाते आखेट करने को जंगल पिया, सामने छीक होती है असगुल लगे। दिल मेरा कह रहा आज जाओ न तुम, दिल मेरा कह रहा आज जाओ न तुम, दिल मेरा कह रहा आज जाओ न। स्वामी आज मेरी इज्जत, मेरी इच्छा कह रही है कि आप शिकार खेलने बिल्कुल ना जाएं। सपना जी, हम लोग एक छत्री हैं जी, और छत्री लोग कभी असगुन नहीं मानते। मैं दिन भर आखेट करूंगा और सूर्य अस्त होने से पहले अपने बच्चों के पास आ जाऊंगा। लेकिन मेरी इच्छा कि आप शिकार खेल लेना। अगर आपकी इजाजत हो तो आपसे मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। अमन बोलो, इजाजत है और क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए पिताजी, कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। पिताजी, साथ बाबे चलो ले के बंदो की को नहीं। पिताजी साथ बाबे चलो ले के बंदो की को हो इजाजत पिताजी।
साथ में भेजलो ले के बंदो को ओ इजाजत पिता जे अजला के मार कर शेर चीता गिरा दो जमे मार कर शेर चीता गिरा दो जमे परेशान होते है बेकार को आज तेरी बातों को सुनकर हमें तो हंसना आता है लेकिन आप क्या कह रहे हैं अभी तुम्हारी उम्र शिकार खेलने की नहीं है इसलिए हमारी बात को मानिए और माँ के पास रहिए रहो अमन हाँ ये हौसले और मुझको आती हंसी तेरे गुटा ओपर नादान से रे हाँ ये हौसले तुम्हारी उम्र शिकार खेलने की नहीं है और तुम माँ के पास रहना और माँ की आज्ञा का पालन करना और समय से कॉलेज जाना और समय से आना और मैं दिन भर आखेट करूंगा और सूर्य अस्त होने से पहले मैं अपने बच्चों के पास आ जाऊंगा छोटे ठाकुर नमस्कार नमस्कार जद्दा नमस्कार जद्दा आज अचानक रास्ता कैसे भूल गए ऐसी बात नहीं है छोटे ठाकुर आज मैं इस रास्ते से जा रहा था मैंने सोचा कि काफी दिन से आपसे मुलाकात नहीं हुई इसलिए चलकर मुलाकात कर लिया जाए बहुत अच्छी बात है लेकिन छोटे ठाकुर क्या बात है ये लड़का कौन है जद्दा ये मेरा खून है मेरा बेटा अमन क्या बेटा अमन जाओ दादा से प्रणाम करो खुश रहो बेटा खुश रहो छोटे ठाकुर आपका बेटा इतना सयाना हो गया और हम लोगों को पता भी नहीं चला अरे बड़ा होनहार बच्चा है बड़ा होनहार बच्चा है लेकिन छोटे ठाकुर आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कहीं के लिए तैयारी बनाकर रखे आज मैं शिकार खेलने जाना चाहता हूँ और दिन भर शिकार करूंगा और सूर्य अस्त होने से पहले अपने बच्चों के पास आ जाऊंगा क्या शिकार खेलना चाहते हैं अरे छोटे ठाकुर शिकार खेलना तो हम राजपूतों का बहुत पुराना शौक है अगर आपके दिल में आज शिकार खेलने की इच्छा जगी है तो अवश्य जाइए और अब हम लोग चल रहे हैं जद्दा इतनी जल्दी क्या है बैठिए कम से कम चाय नाश्ता हो जाए और उसके बाद चले जाना छोटे ठाकुर आप तो अच्छी तरह से जानते हैं जब तक तुम दोनों भाइयों में बगावत हुई है दादा ठाकुर हमें कहीं आने जाने नहीं देते हैं अगर उन्हें पता चल गया कि मैं आपसे मिलने फार्म हाउस पर गया था तो हो सकता है कि मुझसे नाराज हो जाएं इसलिए अभी मैं चल रहा हूँ फिर कभी आऊंगा तो चाय पानी पी कर जाऊंगा जद्दा अगर ये बात है तो जा सकते हो नमस्कार नमस्कार नमस्कार
नमस्कार बेटा नमस्कार। हम तो आप तो जानते हो हमारा व्रत चल रहा है इस समय, नाश्ता पानी कुछ करें का नहीं ना, और लौट के तो जी भर के खाब। जाओ राम सिंह। भैया नमस्ते। सपना जी देखा मैंने क्या कहा जी? बिल्कुल सही कहा। सारा जमाना जी अपना दुश्मन हो चुका बिल्कुल है। बिल्कुल सही। इसलिए जाते जाते मैं यही कहना चाहता बिल्कुल स्वामी बेटे अमन का विशेष ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जा रहा हूँ जी, घबराना नहीं। बेटा अमन कहीं पापा जी तो सिगार खेलने गए, ठीक है अब वो शाम तक आएंगे, चलो घर में कुछ काम धाम ही किया जाए। ठीक है माँ आओ चलते हैं, क्योंकि मुझे भूख भी लगी है, आओ चलकर भोजन भी करते हैं माँ। जी बेटा आओ। सुनो बेटा देखो पापा तो सिगार खेलने चले गए तुम्हारे, हाँ अब तुम ही हो, तुम ही सब कुछ हो हमारे, ठीक है। कहना क्या चाहती माँ? तोहरा में बसे ला परनवा हो, जहनवा हमार बाट तोहो से। तोहरा में बसे ला परनवा हो, जहनवा हमार बाट तोहो से। देती आप न चरणवा हो, पूजा दो तो आप न चरणवा हो, जहनवा हमार बात तो हो से। पूजा दे तो आप न चरणवा हो, जिंदगी के दिहलू मरदनवा हो, जहनवा हमार बात तो हो से। पूजा देत आपन